Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know this is a platform from where you get free of cost each and everything related to your subjects like past paper solutions, exercise solutions, quizzes, and each and everything like notes. Dear students, you know that we are doing past paper solutions, model papers series. In this lecture, we will do the section A, which is related to the multiple choice question, as known as MCQs in examination paper. So without wasting our time, we will move to our lecture. Here I am sharing a screen right now. जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो भी अहम होते हैं, जो पेपर अभी आना होता है आपका एग्जाम में, तो उस लिहाज से ये पेपर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ये चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट होती हैं। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज बेस है, इसको मैंने दो पार्ट्स में जो है वो तकसीम किया है, और चैप्टर वाइज जो है ये हमने पेपर्स इसके जो है वो बनाए हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम्स में आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है इन क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में से अभी पेपर में आने में, तो वो जो है यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो मूव करते हैं स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है हमारे पास। जी, एमसीक्यूज नंबर वन आपके सामने देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। दिस वन इज आयोटा स्क्वायर, राइट। आपको जो है वो इसकी एक्सरसाइज में तो मैंने बताया हुआ है, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस वन के। ये आपने याद रखना है, जैसे कि अंडर रूट के अंदर माइनस वन आ जाए वो आयोटा के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आयोटा स्क्वेयर है, तो आयोटा स्क्वेयर है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका हमने जो है वो अंडर रूट लिया, और ये जो है वो इससे जो है वो कैंसल होगा, आयोटा है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है आपने, राइट। तो दोनों तरफ जो है वो हमने फिर जो है इस तरह अंडर रूट लेना है, और जब ये इससे कैंसिल होगा फिर दोबारा अंडर रूट लेंगे, इस तरीके से जो है ये आपने सॉल्व करना है, ये चीज आपने याद रखनी है, राइट। तो आयोटा स्क्वायर जब आए तो वो माइनस वन के बराबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो ये इस तरीके से, या आयोटा डॉट आयोटा करके भी आप इसको कर सकते हैं, अंडर रूट में माइनस वन इस तरीके से, बट आपने याद रखना है जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर आ जाए टर्म तो माइनस वन के जो है वो बराबर होती है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, देखें, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड बार इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये तीनों जो टर्म्स लिखी हुई है, जेड माइनस जेड होल बार और माइनस जेड का बार का जो है वो, तो ये इसमें क्या ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर है जो ये दिस वन, थर्ड नंबर जो है वो है आपके पास वन माइनस आयोटा, राइट। अब इसका जो है वो हमने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, ये पहले जो है डिटेल में आ जाए, शो हो जाए स्क्रीन पे। जी देखें, जैसे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि वन प्लस आयोटा, राइट, उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा होल ट्वेल्व, राइट। क्या है ये इस तरीके से, सेकंड वन जो है वो क्वेश्चन है वो है वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय व्हाट, वन माइनस आयोटा होल पावर ट्वेल्व, राइट। ये इस तरीके से, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, वन इसका आंसर जो है वो आपके पास होगा, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में आए तो ये कुछ इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट फोर वन जो है, इफ जेड वन एंड जेड टू आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो के जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है उसकी बात कह रहा है। जेड वन और जेड टू अगर आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन क्या होगा, बी आपके पास ऑप्शन है इसका, राइट।
लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, ये आपका आंसर होगा। मींस के जेड वन प्लस जेड टू का बार इज लेस देन एंड इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू का बार, अलग अलग करके लिख दिया, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। जी फाइव में देखें, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी देन जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बिकॉज जेड का जो बार है वो ये नहीं होता, राइट। अब इफ जेड इज इक्वल टू थ्री आई माइनस फोर देन जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू माइनस एट, इसका आंसर है। देखें जेड ऐसे ही लिखेंगे, जेड बार में जो है वो साइन चेंज होगा और उसको ऐड करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बार बार जो है उसमें एक्सरसाइज में करवाए हैं, आप उस एक्सरसाइज में इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। माइनस एट इसका आंसर है। अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या है, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू थ्री माइनस टू आई आर रिस्पेक्टिवली, राइट। रियल और इमेजिनरी का पार्ट तो आपको मालूम ही है, तो इसका आंसर टू और थ्री है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, रियल का क्या है थ्री, टू जो है इसका क्या है, और थ्री आंसर है, राइट। तो ये जो है वो आपने याद रखना है, द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई इंटू थ्री माइनस टू आई आर रिस्पेक्टिवली, तो ये जो है वो आपने बताना है। इस तरह है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो बी इज लेस देन जीरो देन ए बी इज लेस देन जीरो, इसका जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्या है हमारे पास, ये बहुत ही सिंपल है, एक एक स्टेप वाइज जो है वो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको चैप्टर वन में डिटेल में मैं आपको करवा चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखें जैसे इफ जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस फोर देन जेड बार क्या होगा, देखें जस्ट क्या होगा, साइन चेंज हुआ है, तो तमाम एमसीक्यूज में अप्रोक्सीमेटली इस तरह की ही चेंजिंग हो रही है, और ये आंसर आ गया, इफ जेड इज एन रियल नंबर एक्स देन इट्स कंजुगेट इज, कंजुगेट इसका जो है वो एक्स होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको फार्मूला पता है, राइट। तो फार्मूला जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरह तो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको फार्मूला पता है, एक्स अपॉन डिवाइड फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर बिगर होता है। कॉमन सेंस की बात है कि आंसर इसका ये नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर थोड़ा हेल्दी सा होगा, तो नन ऑफ अबव है, ये आपने लगा देना है। नेक्स्ट वन देखें, 12th की मैं बात कह रहा हूँ, 11 हम कर चुके हैं, 12th वन को हम देख लेते हैं, इफ एक्स प्लस फाइव आई जो है वो इसका बार इक्वल टू थ्री है देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स जो है वो किसके बराबर है ये हमने जो है वो बताना है, एक्स इज इक्वल टू नन ऑफ अबव है, राइट डियर स्टूडेंट्स। देन एक्स इज इक्वल टू, देखें एक्स ये नहीं होगा, एक्स की वैल्यू इस तरीके से नहीं आएगी, प्रॉपर जो है एक फॉर्म बनी हुई होती है रियल इमेजिनरी टाइप की, तो ये आंसर इसका नहीं है, राइट। तो नन ऑफ अबव है, अंडर रूट में -1 आ जाए तो ये आयोटा के बराबर होता है, बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ, देखें अभी टिक भी हुआ है तो हम आयोटा पे हुआ है। व्हाट इज द स्क्वेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा होगा इसका, राइट। ये आपने थोड़ा सा देख लेना है, 14 की बात कह रहा हूँ, एक 15 वन को देखते हैं, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 -3i, तो इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 3 -2i जो है वो बनेगी, राइट। क्या हुआ इसके अंदर, 3 -2i है, राइट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये 15 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट तो हैं, बट ये है कि इससे आपका जो है वो एमसी आपकी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन नहीं हो जाएगी, 15 और पार्ट टू में भी करवाऊंगा, लेकिन ये है कि मैंने जो क्विजेज दी है उसमें भी एमसीक्यूज हैं, देखें लॉट ऑफ एमसीक्यूज हैं, उसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो नथिंग प्रॉब्लम, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप इजीली जो है उसको परफॉर्म कर लेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर वन जो मैंने डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया है वो हमारे चैनल पर अपलोड भी हुआ है वी ट्यूशंस के, वहां से आप उसको जाके अच्छे से देखें डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी कंफ्यूजन वहां दूर करूंगा, अलग से कोई वीडियो की जरूरत होगी वो भी बनाएंगे आपके लिए, और डियर स्टूडेंट नोट्स वगैरह में डिटेल में तमाम चीजें मौजूद है, वहां से तो आप इसको देख ही सकते हैं। एनी हाउ यहाँ का आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाजत दीजिए।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।